एनसीआर और आपके साथ मैं हूँ लक्ष्मी। दिल्ली के छतरपुर में ग्लैमॉन के द्वारा मिस एंड मिसेस इंडिया 2018-19 का आयोजन किया गया। मिस, मिसेस और मिस्टर कैटेगरी में 3 विजेताओं का नाम घोषित किया गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने इन विजेताओं को सम्मानित किया। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के छतरपुर में ग्लैमॉन के द्वारा मिस एंड मिसेस इंडिया 2018-19 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं बॉलीवुड एक्टर अमन वर्मा भी मेजबानी करते नजर आए। मिस, मिसेस एंड मिस्टर इंडिया कार्यक्रम में तकरीबन हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। लेकिन सिर्फ 3 लोगों ने ही इस खिताब को अपने नाम किया। है वो किस तरीके से एक औरत की शक्ति, एक अंदरूनी शक्ति बाहर शाइन करती है उसके टैलेंट के थ्रू, उसके मेहनत के थ्रू, उसके अलग क्वालिटीज़ के थ्रू। आई थिंक वो आज देखने के लिए यू नो लिटरली, जैसे कि मैंने कहा, ये ट्रेंड बदल गया है। आप अगर मिस यूनिवर्स का भी देखेंगे तो उन्होंने भी स्विम सूट राउंड को कैंसिल कर दिया है। एंड इट्स मोर अबाउट नाउ टैलेंट एंड द इनर शक्ति, द इनर पावर ऑफ अ वुमन दैट नीड्स टू शाइन थ्रू। मिस इंडिया 2018-19 का खिताब चंडीगढ़ की रहने वाली एंजल कौर ने अपने नाम किया। मिसेस इंडिया की विनर गुड़गांव की रहने वाली प्रियंका पुरी रही। वहीं मिस्टर इंडिया के खिताब पर गुड़गांव के रहने वाले ध्रुव जैन ने अपना नाम लिखा। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये जो इवेंट मैंने स्टार्ट किया था 6 महीने पहले स्टार्ट किया था, जर्नी है, और 25 सिटीज़ में ऑडिशंस ली हैं, 800 गर्ल्स में हमने ये निकाली हैं और आज आपके सामने टॉप विनर है। इन सभी विजेताओं को बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में तकरीबन हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। मैं जब ऑडिशन देने भी आई थी ना, तो ग्लैमॉन रिप्रेजेंट मंदुआ मैम, उनको मैंने ये बताया था कि बीइंग ए गर्ल मैंने अपनी लाइफ में वो सब फेस किया है जो शायद हर लड़की फेस करती होगी, क्योंकि उनकी कपड़ों से लड़कियों को जज किया जाता है, उनको छोटे कपड़े नहीं पहने दिए जाते, मॉडलिंग प्रोफेशन को अच्छा नहीं माना जाता। पर जिस दिन मैं ग्लैमॉन की ऑडिशन देने आई थी तो मंदुआ मैम ने मुझे इतना एडमायर किया था, आई फील लाइक दिस स्टेज इज़ रॉक ऑन। एंड ये स्टेज पाने के बाद मैं मैम के साथ काम करना बहुत पसंद करूँगी। दिल्ली से सहयोगी विकास कुमार के साथ संवाददाता बीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली और एनसीआर से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए एनएन न्यूज दिल्ली एनसीआर, और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल्ली और एनसीआर की खबरों के लिए देखते रहिए एनएन न्यूज दिल्ली एनसीआर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।